देखा कि एक बच्चा जो है वो कपड़े उसके मट्टी मट्टी हो गए, जैसे घर जाने लगा दरवाजा खोला तो उसकी माँ ने शुरू की, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम फिर कपड़े गंदे कर आ गए हो। उसने बड़ी इल्तमास की कि मुझे आने दे, कल मैं ऐसा नहीं करूँगा। दूसरे दिन वो आरिफ फिर गुजरा, देखा कि फिर बच्चे खेल रहे हैं, उसके कपड़े गंदे हो गए। तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि देखो मुझे अपने घर ले जाओ, क्योंकि आज मेरी माँ मुझे घर आने नहीं देगी। दोस्तों ने कहा हम खुद बड़ी मुश्किल से अपने घर जाते हैं, हम तुम्हें कहाँ से लेके जाएं। खुलासा वो फिर अपने घर के बाहर खड़ा होकर, और उसकी माँ कह रही मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। वो माँ माँ है, वो छत पे बैठी हुई रो रही है कि ये मानता नहीं है, और ये बाहर बैठा हुआ रो रहा है कि मैं अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। मगर वो फिर वही गलती करता है। वो आरिफ ने जब ये इस वाक़े को देखा तो खुदा की बारगाह में मुतवज्जे हुआ कि परवरदिगार तू कितना रहमान है, तू रोज़ मुझे मौका देता है, मैं रोज़ गलती करता हूँ, मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, मगर फिर भी तू अपने दरवाजे मुझ पर बंद नहीं करता। इंसान तौहीद यही है जाने मोहतरम, वो रहमान है, वो एक लम्हे में माफ़ करने वाला है। अगर इंसान उसकी बारगाह में पलटा, खासतौर पर जवानी के अंदर पलटना कमाल है, बुढ़ापे में भी इंसान बहरहाल, लेकिन बाद अवकात बुढ़ापे में तो ऑप्शन इंसान के पास नहीं होता कि भी क्या करे, लेकिन जवानी में उसकी बारगाह में आना कमाल।